So today our topic is GST. Okay, we will discuss in detail each and every point we will cover, but today our object is to understand the concept of GST, which will help us in understanding further GST. Okay. So, as we know, it is a mixture of excise, VAT, service tax, cess, CST, central sales tax, luxury tax. Okay, so as it is a mixture of all, so naturally this content will be covering all the aspect in one, hai na? ठीक है, आप लोग को इंग्लिश हिंदी सब में समझाएंगे, ठीक है ना? लेकिन रेडी रहना है, एब्सेंट नहीं करना है. ओके, तो फिर से इसमें एक्साइज है, सर्विस टैक्स है, वैट है, सेस है, सीएसटी है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, सब कुछ मिक्स है. जब सब मिक्स है तो इसका मतलब इसके अंदर में सब कुछ को लेके बनाया हुआ है, ठीक है. व्हाट इज पॉजिटिव थिंग, अच्छा बात क्या है? अब आपको चार पांच टैक्स नहीं पढ़ के एक ही टैक्स पढ़ना होगा. इसी को अच्छा से पढ़ना है और इसको नाम दिया गया है वन टैक्स, ठीक है. नाम है वन टैक्स, हम लोग बोलेंगे भी वन टैक्स, बाद में इसका डिवीजन करने लगेंगे, ठीक है. नाम है वन टैक्स लेकिन कस्टम्स अभी भी है, कस्टम्स अभी भी है, ठीक है. फिर से, सो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अभी क्या चल रहा है, 2017, इसका नाम होगा एक्ट 2017, ठीक है. सो जी स्टैंड्स फॉर गुड्स, एस स्टैंड्स फॉर सर्विसेज एंड टी एक्सटेंड फॉर टैक्स. गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स, ठीक है. हम लोग को पहला ऑब्जेक्ट क्या है, इसके डर को खत्म करना. ये जो कंफ्यूजन भरा हुआ है इसको कैसे खत्म किया जाए, ठीक है. तो इसके कंसेप्ट को पहले समझना है एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट. जैसे आपको यहां से हावड़ा स्टेशन जाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, हावड़ा स्टेशन जाना है. कैसे जाना है, बस से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, टैक्सी पकड़ के जा सकते हैं, ओला उबेर को पकड़ लिए, पैदल गए, कुछ नहीं लगा. तो मोड चेंज करते जाएंगे, बिल्कुल चेंज होता जाएगा सब, उसी तरह का कंसेप्ट है. तो ऑब्जेक्ट क्या है, रास्ता क्या क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है. तो गवर्नमेंट का हम लोग को ऑब्जेक्ट मालूम होना चाहिए, गवर्नमेंट क्या चाहता है और उसको वो कैसे पूरा करेगा.
जो टैक्स दे रहा है उसको क्या हो रहा है, जो टैक्स नहीं दे रहा है उसको क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर? फिर से, सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 मींस 2017 में ये एक्ट आया, पास हुआ। तो पास में क्या होता है, प्रेसिडेंट एसेंट 12th अप्रैल 2017 मतलब सब रेडी उडी हुआ, सब रेडी हुआ, उसके बाद में प्रेसिडेंट का कंसेंट आ गया। ठीक है, चलो अप्लाई कर दो। किस डेट को मिला? एंड जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम July 1, 2017। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्या है, जस्ट 1.5 आवर 2 आवर्स के बाद आप ये बोल सकते हो आपको जीएसटी आता है, कैसे समझे? सिर्फ 2 घंटे बाद कोई आपसे पूछा आता है, बोले हाँ आता है हमको। ठीक है, अब बाद में टेक्निकलिटीज रहेगा, सो टेक्निकलिटीज में हम लोग बाद में धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे। तो एक चीज ध्यान रखना है, कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, जब आप उसके डेप्थ में जाते हो तो उसमें क्रिटिकलिटी आता है, कोई भी सब्जेक्ट, समझ गए? मैंने साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ठीक है ना, कोई भी लाइन, मैंने आप एक्सपर्टाइज में जाओगे उसमें क्रिटिकलिटी आएगा, समझ गए? तो ये इसमें भी आएगा, कोई बात नहीं। तो प्रेसिडेंट का कंसेंट कब मिला? कि कोई भी लॉ है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चाहिए ना कंसेंट, तो वो मिल गया। ये लोग बोला ठीक है, हम लोग अब फाइनल करके ड्राफ्ट डेट डिक्लेयर किया। ठीक है, नाउ वन इज जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, ये जितना भी लॉ बन रहा है, जितना भी लॉ जीएसटी रिलेटेड, तो अब इसका एक कमिटी होगा ना, कौन होगा? कमिटी होगा, चेयरमैन होगा, मेंबर्स होगा, डिसीजन होगा, फाइनल होगा, फिर प्रेस रिलीज होगा। सो ऑफिशियल गजट, फिर उसमें पब्लिश होगा कि देखो भाई ऐसा ऐसा चीज आया है, गजट ऑफ इंडिया। गजट ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई चीज है, गजट ऑफ इंडिया में होगा, स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट वाला गजट में आएगा, गवर्नमेंट का अपना, गवर्नमेंट का अपना, गवर्नमेंट अपना प्रेस रिलीज करता है, न्यूज़पेपर वाला नहीं। आप पढ़ोगे ना तो लिखा रहेगा गजट ऑफ इंडिया ऐसे करके, समझे? वो कहाँ मिलेगा देखने के लिए? ठीक है, तो 1.5 से 2 घंटा के अंदर में वो भी आप देख लोगे सब। ठीक है, जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो लिखा रहता है ना पेपर का नाम, ये उसी तरह इसमें गजट ऑफ इंडिया करके लिखा रहेगा। ठीक है, ओके, सो जीएसटी काउंसिल, इसका डिटेल बाद में करेंगे हम लोग,
ये एक कमिटी है, इसमें सम नॉलेजेबल पर्सन, फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, वो लोग इस कमिटी में होता है, फिर वो लोग एक डिसीजन होता है, ठीक है। ठीक है ना, मैंने ये ऑब्जेक्ट अपना ऐसा है कि कोई भी दो घंटे का ये रिकॉर्डिंग भी है उसको मालूम हो जाएगा जीएसटी क्या है, ठीक है। अब है इंडिया, मालूम है वन इंडिया वन टैक्स ऐसा बोला जा रहा है ना। सो इंडिया में क्या क्या है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ऐसा चक्कर है। सो हर स्टेट में स्टेट का अपना लॉ होता है, लेकिन जीएसटी में क्या हुआ, सेंट्रल माने सेंट्रल एंड स्टेट सब एग्रीड कर गया, सब एग्रीड कर गया। ऐसा पहला बार हुआ है, सेंटर और स्टेट दोनों मान गया। इंडिया में मानता है कोई स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज लोग एक दूसरे का बात सुनता है, नहीं। ये आपको हम आउटलाइन दे रहे हैं, ये चीज समझ में आ जाएगा ना तो आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, कैसे समझे, योर कंफ्यूजन विल कम टू एन एंड, नहीं तो आपके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन घूमता रहेगा, ठीक है। तो जीएसटी सेंट्रल और स्टेट, सपोज स्टेट गवर्नमेंट पहले वैट कलेक्शन करता था, तो अब वो वैट चला गया, जीएसटी आ गया, सेंट्रल सर्विस टैक्स कलेक्शन करता था ऑल इंडिया से, मैंने हर स्टेट में जाके भी कलेक्ट करता था और वैट स्टेट का था। अब क्या है, जो करना है सब सेंटर, कौन करेगा, सेंटर। लॉ कौन बनाएगा, जीएसटी काउंसिल, कौन, सेंटर। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कंसल्ट कर करके करेगा। क्वेश्चन है व्हाई स्टेट गवर्नमेंट इज साइलेंट, एक बार में सब स्टेट गवर्नमेंट चुप क्यों बैठ गया, कुछ भी हो रहा है कोई बात नहीं करो जो करना है करो, ऐसा सिस्टम है ना जीएसटी में, ऐसा क्या है कि सब स्टेट गवर्नमेंट एंड वन स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड ये भी साइलेंट हो गया, नहीं मानता था कोई बात, ये भी बोला अच्छा ठीक है रेडी एग्रीड। मैंने ऐसा क्या हुआ जो सब, मैंने उसके बाद हम लोग फिर डिटेल में आएंगे कि इसका सिस्टम कैसे बनाया। तो जम्मू एंड कश्मीर तो ऐसा फॉर्मूला बनाया कि जो मेरा बात नहीं मानेगा वो लॉस में चला जाएगा, जो मेरा बात मानेगा फायदा में रहेगा और हम लोग उसको कुछ और देगा, कैसे समझे, कैसा फॉर्मूला ड्राफ्ट हुआ, जो स्टेट बात नहीं मानेगा वो लॉस में चला जाएगा, जो स्टेट बात मानेगा फायदा में रहेगा और हम लोग उसको लॉस होने नहीं देंगे। जैसे मान लो एक स्टेट बोला मेरा रिवेन्यू तो 40,000 करोड़ है, माय रिवेन्यू इज 40,000 करोड़, तो सेंटर बोला कोई बात नहीं, योर रिवेन्यू इज 40,000 करोड़, इफ यू गेट लेस देन 40,000 करोड़ वी विल कंपनसेट यू। बोला 35 हुआ तो क्या हुआ, बोला 5,000 करोड़ हम लोग देगा, सेंटर देगा, बोला ऐसा बात है तो ठीक है। फिर बोला अगर तो हर साल तो रिवेन्यू बढ़ेगा, तो सेंटर बोला कोई बात नहीं हम लोग भी बढ़ा देते हैं,
कैसे समझे? तो क्या हुआ, ऑल इंडिया में जितना भी स्टेट्स है, स्टेट्स के साथ क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होता है, मैंने क्या क्या माइंड में आ सकता है। तो जो अपना स्टेट गवर्नमेंट सेम मैंने लीडरशिप है सेम, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपना अंडरस्टैंडिंग है। जो स्टेट नहीं मान रहा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा दे के खुश कर दिया गया कि ठीक है अब मान लो, तो एवरीथिंग इज मनी। आपको नोट ज़्यादा देगा तो क्या होगा, अपना घर भी बेच दोगे। स्टेट में क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम है, तो स्टेट को सिक्योर कर दिया, बोला हम लोग को क्या प्रॉब्लम है। वॉट माई पॉइंट, वी हैव नो प्रॉब्लम, और गवर्नमेंट इज एश्योरिंग वट एवर लॉस। फिर नेक्स्ट आया कंट्रोल, आज देंगे कल नहीं देगा तो क्या होगा। एकदम सब जनरल जिसे होता है ना डीलिंग, एकदम वैसा डीलिंग है। तो उसके लिए भी बोला कोई बात नहीं, मेजर कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट करेगा। मेजर कंट्रोल, कंट्रोल करने का मतलब आप देखो सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, और जितना भी पैसा आएगा सब में हाफ हाफ सिस्टम कर दिया गया है। कितना, हाफ हाफ, हाफ स्टेट गवर्नमेंट का, हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट का, हाफ स्टेट गवर्नमेंट का, हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसका मतलब क्या हुआ, हर स्टेट से जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा आधा स्टेट का हो गया और आधा किसका हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। तो हर स्टेट अपना अलग अलग है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या हुआ, ऑल इंडिया का पूरा कलेक्शन जाएगा, मतलब ऑल इंडिया का आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। यस और नो, समझ में आ रहा है केस, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम को ये लोग कैसे खत्म किया, और बोला किसी को लॉस होगा तो हम लोग दे देगा तुमको, लेकिन चुपचाप बैठो, जो बोलते हैं सुनो। बोला ठीक है मंजूर है, तुम्हारा लॉस नहीं होगा। होता है ना, इस सिस्टम पर डेवलप हुआ। अब डेवलप कैसे किया फर्दर, हाउ टू कंट्रोल। सो हाउ टू कंट्रोल, ओनली आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक मींस, मैनुअल पॉसिबल नहीं है, मैनुअल पॉसिबल नहीं है। मैनुअल पॉसिबल नहीं है तो किसका यूज किया, सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स। दे टुक द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो जीएसटी डिवाइडेड इनटू मेनली थ्री पार्ट्स। वन इज आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। वन मोर इज यूटी GST, IGST, CGST, SGST, UTGST. So this is integrated, this is central, state, union, टेरिटरीज। IGST, CGST, SGST, UTGST, ठीक है? ओके, इच एंड
every state covered, each and every area covered. इंडिया का कोई भी पोजीशन पोर्शन कुछ भी हो वो स्टेट में आएगा नहीं तो यूनियन टेरिटरी में आएगा, आएगा ही, ठीक है, ओके, नाउ ये क्लियर है। अब इसका सिस्टम क्या है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी ये दोनों एक जैसा काम करेगा, मतलब स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है टैक्स तो उसको भी चाहिए, ओके, मतलब हाउ इट वर्क्स, दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मीन्स सेम स्टेट, इंटर स्टेट मीन्स टू डिफरेंट स्टेट्स। फिर से सपोज वेस्ट बंगाल यूपी दो स्टेट, ये हो गया इंटर स्टेट। वेस्ट बंगाल से माल बेचा यूपी को, ये क्या है इंटर स्टेट, लेकिन कोलकाता से माल बेचे और वो हल्दिया में गया तो वेस्ट बंगाल में ही रह गया ना, बाहर गया वेस्ट बंगाल में रह गया, तो ये क्या है इंट्रा स्टेट। जब इंट्रा स्टेट होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। जब टू डिफरेंट स्टेट्स होगा, टू डिफरेंट स्टेट्स होगा, टू डिफरेंट, तब आईजीएसटी लगेगा, क्या लगेगा आईजीएसटी, लिखते जाइए शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाइए, काम का चीज है, आपको बुला हुआ है दो घंटा बाद आपको मालूम है क्या चीज है ये, ठीक है। इनडेप्थ स्टडी लेटर स्टेज, इफ बिलिंग इज इन द सेम स्टेट, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाने गए तो आपका 100 रुपया बिल हुआ, आप देखोगे 100 रुपया प्लस 9 रुपीज सीजीएसटी 9 रुपीज एसजीएसटी आपका बिल बना दिया 118 रुपया। अब बोले 18 क्या है, बोला जीएसटी। अब ये 18 जो है अब 18 नहीं रहा, अब ये 12 हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, यही प्रॉब्लम है डेली चेंजेस, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आप रेस्टोरेंट में जब खाने जाओगे तो आपको 9-9 नहीं ऐड करके 6-6 ऐड करेगा, ठीक है। अभी रेट हम लोग का जो चल रहा है रेट्स जीएसटी रेट्स, एक है 0%, ठीक है, कुछ लाइन में 3% भी है, ठीक है, कुछ 1% भी है, 2% भी है, इंडिया है यहाँ सब कुछ है, कुछ जाता नहीं है, ठीक है। फिर 5% है,
12% है, 18% है, 28% है, ये सब क्या है? जीएसटी रेट्स। केस बदलता जाएगा, रेट बदलता जाएगा। अब आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपको अपना रेट होने से काम होगा या नहीं होगा? बिजनेसमैन को अपना मालूम है ना, ठीक है। आप सपोज मेडिसिन में डील कर रहे हो, तो ये 5% है, ये 12% है, ये 18% है, ये 28% आपको मालूम है, खत्म काम, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्या है? आइटम्स ऑब्लिक गुड्स, कौन सा आइटम है, कौन सा गुड्स है, ठीक है। कोई भी सामान, सामान का नाम होगा या नहीं होगा? ऐसा कोई चीज है जिसका नाम ही नहीं है? हर सामान का कोई ना कोई नाम है, ठीक है। बहुत ज्यादा होगा तो आप बोलोगे स्क्रैप है, ये कॉमन वर्ड यूज करोगे। किस चीज का स्क्रैप है? बोला आयरन का स्क्रैप है, पॉसिबल, लेकिन नाम तो है। तो आइटम या गुड्स जो है, अब इसके अंदर में हम लोग एक और ऐड कर लो, सर्विस। मान लो इलेक्ट्रिशियन आया, कुछ काम किया, तो इलेक्ट्रिकल सर्विसेस, इलेक्ट्रिकल का सामान बेचा तो वो गुड्स है, लेकिन फिटिंग कर दिया, चेक कर लिया, ये ले लिया, उसके लिए अलग से लिया, तो वो सर्विसेज हो गया। सो आइटम बोलो, गुड्स बोलो, सर्विस बोलो, इसका एक नेम होगा, ठीक है। नेम जो है एज पर जीएसटी, एज पर जीएसटी क्या है? HSN, हर सामान का एक नाम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हम लोग के, सपोज इंडिया, वर्ल्ड का छोड़ दो, जैसे मान लो हम लोग बोले नमक, तो बंगाल में बोलेगा नून, इंग्लिश में बोलेगा सॉल्ट, पॉसिबल, तो ये कॉमन है। लेकिन आप इंडिया में चले जाओगे तो हो सकता है उड़ीसा में कुछ और बोले, तमिल में चले जाओ क्या बोला सुने भूल गए तुरंत, पॉसिबल। तमिल तेलुगु सब है ना, हर जगह अपना अपना है। तो मान लो आप एक बिल लेके आए, अब जो नाम लिखा है समझ में नहीं आ रहा है क्या आइटम है, पॉसिबल, ये कौन सा आइटम है, आप फॉरेन से आए, अफ्रीका से आए हो, ये क्या सामान है मालूम ही नहीं है। मान लो यहाँ से बिल लोगे तो नून लिख देगा, दूसरे जगह जाओगे नमक लिख देगा, कहीं पर सॉल्ट लिख देगा, सामान एक ही है। तो हर का एक नाम है, नाम जो है वो जीएसटी। जीएसटी का कैसा सिस्टम है? ये बेस्ड है HSN कोड पर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ओके, HSN कोड, HSN कोड का खासियत क्या है? वन आइटम वन नेम, वन आइटम। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, होल वर्ल्ड।
होल, ये कोई नया चीज नहीं है। ये जो जीएसटी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये भी कुछ नया नहीं है। सब कुछ पहले से था, उसको रीऑर्गेनाइज कर दिया है, रीऑर्गेनाइज, बट ओवरऑल इट इज गुड फॉर यू। मैंने आपको एक बार सिस्टम समझ में आ गया ना, तो फिर आपको इजी लगने लगेगा। और जो मार्केट में कंफ्यूजन है वो ड्यू टू सिस्टम, ड्यू टू, अभी सिस्टम में भी क्या है, हम लोग का लर्निंग प्रोसेस चालू है, ये तो प्रोग्राम होता है ना, ये प्रोग्राम वाला बात है, प्रोग्रामिंग गोइंग ऑन, नया नया चेंजेस होता है, उसको फिर अमेंड करता है, फिर सेट करता है, तो टेस्ट होता है, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो लर्निंग, कंसेप्ट इज क्लियर बट प्रोग्राम लर्निंग इज गोइंग ऑन। प्रॉब्लम आता है फिर उसका सॉल्यूशन होता है। और अभी क्या हो गया है, सिस्टम में सभी बुद्धिमान हो गया ना, आपका थोड़ा सा लूप होल्स रहेगा ना, तो जितना नोट दिया वो भी गायब कर देगा सिस्टम से। सुनते हैं ना, बैंक से पैसा गायब हो गया, कैसे हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम है। ओके, फिर से वापस, सो हर आइटम, गुड्स, सर्विस, उसका एक नाम है, नाम जीएसटी। जीएसटी कैसे है, HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, इस बेस पर है। हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट रेट्स है, तो जीरो रेटेड का मतलब हो गया नील रेटेड, नील को जीरो बोलते हैं। और एक कैटेगरी आता है एग्जेम्प्ट, एक आता है एग्जेम्प्ट का मतलब इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, मींस जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। जैसे अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी नहीं है, डीजल, पेट्रोल, इस पर जीएसटी नहीं है, लीकर पर जीएसटी नहीं है, एयर टर्बाइन फ्यूल पर जीएसटी नहीं है जो प्लेन में लगता है, इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी नहीं है, क्लियर एवरीवन, ठीक है। फिर से, तो जिस पर जीएसटी नहीं है उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्लियर, ओके। अब सामान आता कैसे है, सामान जाता कैसे है, आता कहां से है, जाता कहां पर है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाएगा तो क्या चार्ज करेंगे हम लोग, ध्यान से, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजीएसटी मतलब ये सेंटर के पास पैसा चला गया, एसजीएसटी का मतलब ये स्टेट के पास चला गया, आईजीएसटी का मतलब हो गया ये पैसा अभी पड़ा हुआ है, अभी किसी को नहीं मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का आधा है ये क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आधा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आधा है ये तो मालूम है, और आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, किस स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, जिस जगह ये सामान बिकेगा, वेस्ट बंगाल से सामान निकला यूपी में गया, आधा यूपी को मिल गया और आधा वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया, ये सामान महाराष्ट्र में चला गया तो आधा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल गया, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रख लिया, माने इसका भी आधा आधा होगा, तो इसका मतलब इसका फिर से आधा आधा होगा, कहां होगा आधा आधा, जिस स्टेट में बिकेगा हाफ हाफ, समझ में आ रहा है केस, सो हाफ मनी बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बैलेंस हाफ स्टेट गवर्नमेंट, वो कोई भी हो सकता है,
समझ में आ रहा है, क्लियर? थोड़ा कंफ्यूजन कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है? तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, हम लोग को ये समझ में क्यों आ रहा है? हम लोग को ऑब्जेक्ट मालूम है, डिस्कस किए शुरू में, जीएसटी है क्यों, ऑब्जेक्ट क्या है, चाहता क्या है, कैसे करेंगे कि काम होगा, और जो प्रॉब्लम है वो क्या चीज का प्रॉब्लम है, सिस्टम का। आप काम कैसे करोगे सिस्टम से, वो सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है। व्हाट इट क्लियर? ठीक है, तो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये समझ में आ रहा है? HSN कोड नाम सुनते हैं ना, जैसे आप मिठाई खाए तो उसका अलग एक HSN कोड है, चॉकलेट खाए उसका अलग HSN कोड है, राइस है उसका अलग HSN कोड है, पानी है उसका अलग HSN कोड है, कोल्ड ड्रिंक अलग HSN कोड है, फैन अलग HSN कोड है, अलमीरा ले लिया अलग HSN कोड है, बस में बैठ गया अलग HSN कोड है, CA का सर्विस दिया अलग HSN कोड है, कहीं ट्यूशन में ज्वाइन किया अलग HSN कोड है। कोड दो तरह से किया गया है, ठीक है, एक कोड है गुड्स के लिए और एक कोड है सर्विस के लिए, ठीक है। सर्विस के लिए जो कोड्स है उसको बोला गया है SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड्स, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड्स। जैसे मान लो आप कुछ रिपेयरिंग किए, इलेक्ट्रिशियन आया कुछ रिपेयरिंग किया, रिपेयरिंग करके 200 रुपये लिया चला गया, कोई सामान बेचा तो बोला हम तो सामान बेचे नहीं, हम तो काम किए सर्विस, उसके लिए भी एक कोड होगा। कोड क्या होगा वो एक अलग टॉपिक है। आप 20 आइटम में डील करते हो तो 20 कोड आपको मालूम है, आपका काम हो गया। आप 100 आइटम में डील करते हो तो आपको 100 कोड लगेगा। अब आप बिग बाजार पहुंच गए, पता चला वो 2000 आइटम बेचता है, 10000 आइटम बेचता है, तो उसको 10000 आइटम को ध्यान में रख के करना होगा, बहुत सा आइटम का सेम कोड है, ठीक है। हर आइटम जो भी आप देख सक रहे हो, जिसके ऊपर भी ट्रांजेक्शन होता है, लेना देना होता है, उसके लिए एक कोड है। आपको तो 10 कोड होने से हो गया ना काम, पूरा दुनिया भर का कोड जानना जरूरी नहीं है ना, कैसे तो कोड जो है वो, अब सोच लो कि 1,00,000 आइटम अगर है तो कितना कोड होगा, 1,00,000 कोड होगा, 50,000 आइटम है तो 50,000 कोड होगा, ओके। वो हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से कि कोड का क्या सिस्टम है, कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। 8 डिजिट का होता है कोड, क्या है 8 डिजिट, 8 डिजिट कोड है, तो 8 भी होता है, 4 भी होता है, 2 भी होता है, नहीं भी होता है, सब चलता है, ठीक है, ये क्लियर है। नाउ ये है वेस्ट बंगाल, ये है महाराष्ट्र, पॉसिबल? यहां से गुड्स गया, गुड्स क्या चार्ज करेंगे, 1,00,000 रुपया का गुड्स गया, क्या चार्ज करेंगे, IGST सपोज 12% है, सो
12,000, yes, अब यहां पर क्या होगा, ये 1,00,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000, नहीं 1,12,000, नाम क्या है, बिल में क्या लिखा हुआ है, IGST, ठीक है, बिल में क्या लिखा हुआ है, IGST, टोटल कितना हो गया, 1,12,000। अब ध्यान से, ये क्या किया, लोकल सेल, सामान को बेचा, कितना में बेचा, 1,20,000 में, सेल वैल्यू कितना है, इसमें क्या करेगा, CGST, SGST, CGST प्लस फिर से 12%, कितना चार्ज होगा, 7,200, टोटल कितना हुआ, 134,400, ठीक है। अब ध्यान से, ये है गवर्नमेंट ट्रेजरी, ये समझ में आ रहा है, सरकार का, ये क्या करेगा, इसके अंदर में कितना जमा करेगा, 12,000, यहां का सेलर लिया ना उससे 1,12,000, ये कितना पेमेंट किया इसको, जहां से गुड्स मूव किया इसका ड्यूटी हो गया। अब ध्यान से, अब सामान जाएगा कैसे, जाएगा हवा में तो नहीं जाएगा, ट्रक से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, सामान जाएगा तो रास्ता में पूछेगा ना, बिल होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, पूरा डिटेल चाहिए, नो प्रॉब्लम, वो एक अलग पार्ट है, हम क्या बोले आपको, सब है साथ में, एक नंबर काम जो करेगा वो कहीं नहीं फंसेगा, दो नंबर जो काम करेगा उसके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है। वापस तो यहां पर 12,000 जमा हो गया, किस नाम से जमा हुआ, IGST, ठीक है, IGST से माल आ गया यहां, अब IGST यहां पर सामान बिका, CGST SGST कितना लिया, 7,200, ये क्या करेगा महाराष्ट्र, 7,200 माइनस बोला 6,000 तो हम दे चुके हैं, 12,000 दिया ना, आधा सेट ऑफ करेगा और बोलेगा इसमें भी 6,000 दे चुके हैं, ये क्या है IGST, ये क्या है CGST और ये है SGST, बाकी कितना बचा इसमें, 1,200, ये 1,200, ये टोटल कितना हुआ, ये भी जाके यहां जमा हो जाएगा, जमा हो गया, समझ में आया केस, तो इसका क्रेडिट मिल गया, किसको क्रेडिट मिला, M ऑफ महाराष्ट्र, W ऑफ वेस्ट बंगाल, हु टुक क्रेडिट, M क्या किया, बोला, अब ध्यान से, IGST जो होता है ना, ये जितना भी अमाउंट होगा हाफ हाफ हो जाएगा, कितना, तो IGST से आप CGST एडजस्ट कर लिए,
आईजीएसटी से एसजीएसटी सेट ऑफ कर लिए, आईजीएसटी से ये हो जाएगा दोनों, लेकिन इससे ये नहीं होगा। ध्यान से, अब मान लो ये जिसको बेचा वो भी गया बाद में बोला हम भी बेचेंगे इसको, तो वो भी क्रेडिट क्लेम करेगा। तो फिर सीजीएसटी सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा, एसजीएसटी क्रॉस नहीं होगा, सीजीएसटी विल बी सेट ऑफ विथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी सेट ऑफ विथ एसजीएसटी। जब तक बिकता जाएगा, ए बी को बेचा, बी सी को बेचा, सी डी को बेचा, बिक रहा है, फिर लास्ट में कौन है? कंज्यूमर। जो आगे नहीं बेचा वो कौन है? कंज्यूमर। तो जो नहीं बेचेगा वो कंज्यूमर बन जाएगा। मीनिंग इज क्लियर? तो कंज्यूमर को कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। हु बियर्स द टैक्स? कंज्यूमर्स। इंडिया का कंज्यूमर खुश है, इंडिया का कंज्यूमर, उसको मालूम नहीं वो जीएसटी दे के पैसा ला रहा है सामान सब, उसको सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा। क्या लगता है, दाम कम हो रहा है? गवर्नमेंट तो ऐसे ही बोला ना कि दाम कम होता जाएगा, कम हो रहा है, तो लग रहा है कम कहीं हो रहा है दाम। तब गवर्नमेंट कैसे समझाया आपको दाम कम हो रहा है? बोला देखो 1,12,000 में लाया ना, यहाँ 20 ऐड किया ना, तो 1,32,000 कर दिया वो, 1,32,000 के बाद फिर लगाया। गवर्नमेंट समझाता है। अब बोलने वाला 2-4 मेन पर्सन होता है तो पब्लिक बोलता है, जब बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा है। ऐसा सिस्टम है ना। तो हैंड जब चेंज होता है दाम बढ़ता है, कम नहीं होता है। ये लॉ के अगेंस्ट में है। हैंड चेंज होगा और दाम कम हो जाएगा, ये लॉ के अगेंस्ट में है, ये कभी नहीं हो सकता है। लेकिन इंडिया का 80% बोलता है नहीं दाम कम हो जाएगा। तो कैसे कम होगा उन लोग को मालूम नहीं था, अब 6 महीना बाद समझ में आ रहा है कम नहीं होता है। के समझे? इलीगल थोड़ा बच जाएगा। और लीगल इलीगल क्या है? आप बिना बिल भाउचर के काम कर रहे हो, यही ना इलीगल है। मान लो ये बेचा, बोला बिल नहीं देंगे, मत दो बिल। आप बिल दो या बिल नहीं दो, नहीं देने से क्या होगा? प्रॉब्लम होगा ना। अगर मान लो ये बिल नहीं देता तो सेट ऑफ मिलता? सेट ऑफ क्यों मिला? बिल था बोल के। क्लियर? तो इंडिया का गरीब लोग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है? कोई पूछा? दाम कम करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। प्रॉब्लम सॉल्व होगा उसका इनकम बढ़ा के। किसका इनकम बढ़ा के प्रॉब्लम सॉल्व होता है, दाम कम करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। लेकिन हम लोग का सिस्टम ऐसा है, झूठ बोलने से फायदा होता है, इसलिए लोग झूठ बोलता है जान के भी। कैसे समझे? माने झूठ बोलने से फायदा होता है इसलिए झूठ बोलता है, और गलत सजेशन देने से सामने वाला खुश हो जाता है। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया, बोला टैक्स टैक्स नहीं लगेगा एकदम, बोला नहीं लगेगा, कब हम आपसे भेंट करें बोलिए तो। तुरंत बिजी आदमी, उसके पास टाइम ही टाइम निकल गया, और उसको आप बोल दिए देखो इसमें तो बहुत टैक्स लगेगा, वो जो भागा सो भागा ही रह गया, फिर नज़र ही नहीं आया। कैसे समझे? मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तो ये सब क्या होता है? ये सिस्टम है जिसके कारण ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज है। कैसे समझे? फिर वापस
पब्लिक को बेवकूफ कैसे बनाता है लोग? आपके पास कोई आया बोला देखो हम 1,12,000 में खरीद के लाया है, हम 1,12,000 में 1,20,8,000 ही तो जोड़ा है, ऐसे समझा रहा है, बोला ये राह बिल देखो 1,12,000 है, 1,12,000 से तो कम में देंगे नहीं। फिर बोला अच्छा देखो आप दोस्त हो, लो हम आपको 2,000 लॉस में दे दे रहे हैं, 1,10,000 उस पर CGST SGST ऐड कर दिया, आपका कॉस्ट तो 1,00,000 है। व्हाट इज योर कॉस्ट? आपका कॉस्ट 1,12,000 नहीं है। लेकिन अब इतना समझ में किसको आएगा? जनरल पब्लिक को समझ में आएगा? और वो आपको बिल दिखाएगा, वो तो यही बोलेगा देखो 1,12,000 पेमेंट हुआ है, देखो चेक से पेमेंट किया है, चेकबुक भी दिखा देगा आपको, देखो परचेस किए हैं, तो उससे सब कुछ प्रूफ हुआ नहीं हुआ। तो ये सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है कि समझे वापस। सो ये सिस्टम है, जब तक हैंड ए से बी, बी से सी, अगर आपका प्रॉपर बिलिंग है तो आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन आपका बिलिंग नहीं है, प्रॉपर बिलिंग नहीं है, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ में आया? ओके, क्लियर? अगेन, सो टैक्स कलेक्शन बाय रजिस्टर्ड डीलर्स रजिस्टर्ड डीलर में कैटेगरी है, कंपोजिशन स्कीम एंड वन इज रेगुलर। हम लोग जो एग्जांपल में डिस्कस किए ना, उसमें क्या पूरा टैक्स देंगे? पूरा टैक्स लेंगे। अगर 12% है तो 6-6, 18% है तो 9-9, 28% है तो 14-14, 3% है तो 1.5, 1% है तो हाफ हाफ, ठीक है? मैंने और भी है रेट्स, और भी है अलग अलग वैरायटी के लिए अलग अलग रेट्स है। सपोज ज्वेलरी लाइन का अलग सिस्टम है, डायमंड कटिंग का अलग सिस्टम है, ठीक है? कंपोजिशन स्कीम में टर्नओवर मोर देन 20 lakhs बट लेस देन इक्वल टू 1 crore, लेस देन इक्वल टू 1 crore। ये 1 crore जो है, ये पहले 75 lakh था, 75 के पहले इसको 60 lakh किया था, बाद में थोड़ा हल्ला हुल्ला हुआ तो 75 lakh कर दिया, फिर हल्ला हुआ तो 1 crore कर दिया, ठीक है? एनुअल, साल का, एक साल का टर्नओवर अगर आपका 1 crore से कम है लेकिन 20 lakh से ज्यादा है, आप कंपोजिशन स्कीम में हो, ठीक है? अब 20 लाख से भी कम है टर्नओवर, लेस देन रुपीज 20 lakhs, तब ऑप्शनल, तब क्या वर्ड है? ऑप्शनल। आपका टर्नओवर सिर्फ 6 लाख है,
लेकिन आप बोल रहे हो नहीं हमको रजिस्ट्रेशन चाहिए, पॉसिबल? रजिस्ट्रेशन दे देगा, बोलेगा फिर टैक्स में आ जाओ, टैक्स में आ जाना होगा, क्लियर? ऑप्शनल में आपको टैक्स में आ जाना होगा। कंपोजिशन का क्या है? जीएसटी रेट 1% और 1% इज फॉर ट्रेडर्स, 2% इज फॉर मैन्युफैक्चरर्स। 1% फॉर ट्रेडर्स, ट्रेडर्स का मतलब सामान लिया बेच दिया, मैन्युफैक्चर का मतलब सामान लाया बनाया, बनाने के बाद बेचा, तो उसके लिए क्या है? 2%। ठीक है, सो ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, क्लियर? सो 1% एंड 2%, समझ में आ रहा है केस? टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 20 लाख, आपको बोला आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराओगे तो टैक्स, आप जब सामान परचेस करोगे टैक्स दोगे, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऑप्शनल में आप क्या किए? दो चीज है, आप क्या किए? नॉट रजिस्टर्ड और एक है रजिस्टर्ड। ठीक है, नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं सो नो इनपुट क्रेडिट, नो इनपुट मतलब आप जो सामान खरीद के लाए उस पर टैक्स दिए जीएसटी, लेकिन जब आप बेचोगे आपको उस पर कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपका सेल 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर? आप रजिस्टर्ड कर लिए तो रजिस्टर्ड में अब फिर वही वर्ड आता है कि आप कंपोजिशन में कवर्ड हो या रेगुलर में, तो आप सपोज रेगुलर में कवर हो, रेगुलर मैंने एकदम पूरा टैक्स देंगे, पूरा टैक्स लेंगे, तो रेगुलर क्या हो गया? नॉर्मल। रेगुलर क्या हो गया? नॉर्मल। ठीक है, रेगुलर क्या है? मैंने नॉर्मल पूरा टैक्स देंगे, पूरा टैक्स लेंगे, पूरा हिसाब रखेंगे, पूरा टैक्स देंगे, पूरा टैक्स लेंगे, पूरा हिसाब रखेंगे, क्लियर? और अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो 1%, इसमें 2%। किस पर? टर्नओवर पर। सपोज आपका सेल है 90 लाख, सेल कितना है? तो पहले वो तो फंस गया था, 1 करोड़ का लिमिट हो गया तो फिर बच गया, क्या समझे? लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? आपका सेल 75 लाख से ज्यादा, आप तो रजिस्ट्रेशन करा लिए, अब गवर्नमेंट बोला 1 करोड़, अब आप कैंसिल करोगे, जब आप
कैंसिल करने जाओगे कैंसिल ही नहीं हो रहा है नेट में, नेट में ऑनलाइन कैंसिल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सिस्टम में बने ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है, कैंसिल का सिस्टम ही नहीं है। अब भूल गया या परमिशन नहीं दे रहा है, दो चीज होता है। और क्या है अलग थिंग डिफरेंट? आप रजिस्ट्रेशन किए, आपसे कुछ मिस्टेक हो गया, फॉर्म फिलअप में कुछ गलती हो गया, आप अमाउंट भरने में गलती से एक जीरो ज्यादा बैठा दिए, अब आपको चेंज नहीं करने देगा। अब आपको, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा गलती तो हो ही सकता है ना ह्यूमन। अब बोलेगा वो है, अब इस पे टैक्स दो। अब आप ऐसा सोचो, गलती से 1,00,000 लिखना था, एक जीरो ज्यादा हो गया, कितना हो गया? 10,00,000। अब 10,00,000 पर टैक्स दो। अब बोले कहां फंस गए हम भाई, तो गलती है ना, तो इस तो ठीक होना चाहिए। अब आप करो लिख, जीरो बैठाते हैं तो घुस जाता है, निकालते हैं तो निकलता ही नहीं है। समझ गए? ये सब होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने ये इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। और जब तक आप टैक्स दोगे नहीं, आपका रिटर्न ही जमा नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर? हम क्या बोले, प्रॉब्लम जो आ रहा है क्या है, वो सिस्टम का प्रॉब्लम है। इंडिया इज ऑल्सो लर्निंग, ये सब जो है सब लर्निंग चल रहा है, प्रोग्रामिंग चल रहा है, बहुत सा मिस्टेक हो रहा है। और ये सब का क्या होता है, एक अलग प्रॉब्लम है। जीएसटी में एक्सपर्ट है लेकिन सिस्टम में जीरो है। कितना है? प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट है लेकिन जीएसटी उसको कुछ नहीं मालूम। मेरा बात समझे? जो प्रोग्रामर है उसको जीएसटी कुछ नहीं मालूम है, उसको तो सैलरी मिलता है 2,00,000 रुपया महीना का, लेकिन जीएसटी बोला मेरा जीएसटी खुद ही हमको नहीं समझ में आ रहा है। समझ गए? तो यहां पर प्रॉब्लम आता है। समझे? मैंने आईटी एक्सपर्ट है वो, लेकिन जो बोल रहे हैं वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर समझाओ हम जाके उसको, ठीक है अच्छा करना है, फिर किया अपना 2-3 दिन 4 दिन में बोला हाँ हो गया। तो ये प्रॉब्लम मैंने चल रहा है। मैंने ऑब्जेक्ट में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, वो प्रॉब्लम है सिस्टम का। तो सिस्टम का क्या साथ क्या है, वो आपको 2-4, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल, 2 साल में सब सेट हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट का जब अपना गलती होता है तो वो टाइम एक्सटेंड कर देता है, लेकिन आपका गलती होगा तो पेनल्टी फाइन दोनों लगेगा। अब समझ गए? आपका मिस्टेक है सब लगेगा, गवर्नमेंट का अपना है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो डेट को बढ़ा देता है। समझे? सब टेक्निकल। इसीलिए जब सब कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है ना, तो जरूर कोई प्रॉब्लम है, तब गवर्नमेंट उसको बढ़ा देता है। ठीक है, वापस। सो नॉट रजिस्टर्ड है उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, रजिस्टर्ड हो गया, रेगुलर में हो गया, बोला सब दो, पूरा लेंगे, पूरा देंगे। मैंने आपका 10 करोड़ टर्नओवर में जितना सिस्टम है, मेरा 6,00,000 में ही हम अपना सेल परचेस कर रहे हैं, सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, जो वो करता है वो हम भी करते हैं। ठीक है? टैक्स दे के सामान लाया और जब बेचेगा तो टैक्स ले नहीं सकता है जीएसटी, और जो जीएसटी दे दिया है उसको भूल जाओ, वो आपका कॉस्ट हो गया। फिर से आप 50 रुपया में ये पेन खरीदे, आपसे साथ में 6 रुपया 12 रुपया और ले लिया, ये 6 रुपया ले लिया 12% सपोज, तो आपका हो गया 56 रुपया। आप 56 में लाए, आप 58 में बेच दो, 60 में बेच दो, आपका प्रॉफिट 4 रुपया।
लेकिन आप बोले हम उससे भी लेंगे 12, आप 12% दे के लाए, लेकिन आप जब बेच रहे हो तो आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप जिससे खरीदे वो रजिस्टर्ड है, आप अनरजिस्टर्ड हो, और आप जिसको बेच रहे हो वो भी अनरजिस्टर्ड है, और अगर रजिस्टर्ड है तो भी आप उससे नहीं ले सकते हो क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो। मीनिंग समझ में आया थोड़ा? तो आप अगर अनरजिस्टर्ड हो तो आप परचेस कर रहे हो, जीएसटी दे रहे हो, लेकिन आप जब बेच रहे हो तो आप उससे नहीं ले सकते। बीस लाख जैसे ही क्रॉस करेगा, ठीक है ना, ऐसे ही कर लो इसको, 20 लाख से ज़्यादा तब तो आपको, लेकिन आपको ऑप्शन दिया, आप चाहो तो आपको कंपोजिशन में डाल देते हैं, आप थोड़ा झमेला से बच जाओगे, खाली आप सेल बोलना, सेल पे अपना दे देना, आप सेल बोलना, सेल पर दे देना, ठीक है, सेल पर लगेगा, और आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। केस क्लियर? बना के आप बेचते हो सामान 2%, ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग का मतलब माल आया बेच दिए, कुछ बनाने वाला काम नहीं, 1%। क्लियर? और रेगुलर में सब कुछ होगा, ठीक है? नाउ क्लियर? अब एक वेरी पॉपुलर वर्ड है, रिवर्स चार्ज। क्या वर्ड है? रिवर्स चार्ज। इसको बोलते हैं हम लोग RCM, रिवर्स चार्ज मेथड। रिवर्स चार्ज मेथड। टुडे आवर ऑब्जेक्ट इज टू कवर ओवरऑल एरिया, मैंने आप हर चीज के बारे में थोड़ा जान गए। रिवर्स चार्ज में क्या है, अब ध्यान से, एक है रजिस्टर्ड डीलर और एक है अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है? ये है सप्लायर, यहाँ पर है बायर, और बायर क्या है, रजिस्टर्ड। बायर क्या है, अब ध्यान से, 1 लाख का सामान अगर आप रजिस्टर्ड डीलर से लेते हो तो 1 लाख प्लस 12,000 लग गया, या चलो 18 कर देते हैं, 1,18,000 लग गया, 18%, और आप अगर अनरजिस्टर्ड से लेते हो तो सिर्फ 1 लाख लगा, बोला हम तो अनरजिस्टर्ड है, हम तो GST लेंगे नहीं, तो आप किससे लेना चाहोगे? ये देगा 1 लाख में, ये 1,18,000, किससे लोगे? तो सब कोई बोलेगा हम अनरजिस्टर्ड से लेंगे, तो गवर्नमेंट बोलता है आप रजिस्टर्ड से लो या अनरजिस्टर्ड से लो, GST आपको देना होगा, GST आपको। ये जब बिल किया तो इसके बिल में GST ऐड है, एकदम सिंपल टर्म में समझना है, इसमें GST ऐड है, रजिस्टर्ड डीलर, तो आप 18 दे दिए, इससे जब लोगे ना, इससे जब लिए तब आपको क्या करना होगा, इससे बायर विल पे ₹18,000
अंडर आरसीएम, अंडर तो 1 लाख इसको दे दिए, बिल में जीएसटी नहीं है तो जाके 18,000 पेमेंट करो। कौन पेमेंट किया? इसमें सप्लायर, इसमें समझ में आ रहा है बेसिक। तो बायर को कुछ फायदा हुआ अनरजिस्टर्ड से लेके? बल्कि हेडेक हो गया ना, बल्कि हेडेक हो गया ना। एक तो चेक इसको दो और दूसरा जाके वहां जमा करो। आगे जब बायर बेचेगा सामान तो वो कौन? अब तो जीएसटी पेड हो गया ना पूरा। अब बायर है ना ये, अगर ये रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड कौन होता है? कंज्यूमर ना, बिजनेसमैन। तो बेचेगा ही ले जाके बाद में, क्यों नहीं करेगा? ये जो 18 दिया ना, अब जीएसटी पेड हो गया, अब फिर जब बेचेगा इसमें भी इनपुट लेगा और अपने ही पैसा दिया हुआ फिर से क्रेडिट ले लेगा। अपना पैसा दिया हुआ है उसको फिर से जब बेचेगा ले लेगा, लेकिन ये पहले आपको देना पड़ेगा। इसको लेके बहुत झमेला हो रहा है, इसको लेके क्लियर। कैसा झमेला हो रहा है? वो बोला दिन भर में हम लोग 50 बार परचेस करते हैं, तो हम लोग काम करेंगे ना बैठ के खाली यही सब करेंगे। कोई 2,000 का सामान दिया, कोई 500 का दिया, कोई 900 का दिया, कोई 600 का दिया, अब हम लोग बैठ के यही करते रहे आरसीएम के, समझे? तो गवर्नमेंट क्या किया, मैंने आप लोग को एकदम अपडेटेड नॉलेज मिल रहा है अभी तक का, मैंने आज तक का, इसको डेफर्ड अप टू 31/3/2018, 31/3/2018 तक इसको डेफर्ड कर दिया। क्या किया? डेफर्ड का मतलब अगर आप अभी नहीं भी दे रहे हो तो आप पर पेनल्टी फाइन नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं, टैक्स लगेगा। आप इसके बाद जब बेचे तो आपको क्रेडिट मिलेगा नहीं, जब दिए नहीं तो मिलेगा कैसे? देने से मिलता। और ये तो आप दे ही चुके हो, मतलब हर परचेस पर हम जाके आरसीएम देंगे, हर परचेस पर आरसीएम देंगे, मतलब ये आपका, अब जैसे बोले ना, जब आप इनडेप्थ में जाओगे तो क्रिटिकलिटी आने लगेगा, ठीक है? तो इस सब से क्या हुआ, पब्लिक अनरजिस्टर्ड को अवॉइड करेगा, अनरजिस्टर्ड को अवॉइड करेगा। तो अनरजिस्टर्ड को अगर अवॉइड करने लगा तो जो लोग अनरजिस्टर्ड है वो बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। पहले 25 लाख का बेचता था, अब उसका सेल 15 लाख हो जाएगा, बोला कोई माल ही नहीं लेता मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो, पॉसिबल? तो वो क्या हुआ, इसको बोलते हैं डिस्करेज। इसको क्या बोलते हैं? तो गवर्नमेंट बोल रहा है आप रजिस्ट्रेशन लो, इनपुट भी लो आउटपुट भी लो, अच्छा से काम करो, दो भी लो भी, दो भी लो भी मतलब आधा हमको भी दो, आधा हमको भी दो, तुम भी लो हमको भी दो। रजिस्ट्रेशन जैसे ही हुआ लेना देना शुरू, यस, मीनिंग क्लियर एकदम? रिवर्स चार्ज मेथड का मतलब समझ में आया? तो रिवर्स चार्ज मेथड इसी को बोलते हैं, ठीक है? ओके, तो अब क्या है, आपका जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ना प्रैक्टिकल लाइफ में, आप परचेस किए, आपका हर परचेस से चेक करेगा,
इसमें टैक्स पेड हुआ कि नहीं, जीएसटी पेड है, पेड है, पेड है, पेड है, इसमें नहीं पेड है, क्यों नहीं पिया दिया, पेनल्टी लगाओ, इंटरेस्ट लगाओ, रिकवरी करो। मतलब आप रजिस्टर्ड से परचेस किए ठीक है, अनरजिस्टर्ड से किए, वाई यू हैव नॉट पेड आरसीएम, आप गवर्नमेंट का पैसा रख लिए, पे इंटरेस्ट, पे पेनल्टी, कैसे समझे? व्हाट आई एम सेइंग, लॉ यही है, जैसे आपका 10 दिन डेट बढ़ा दिया, 10 दिन डेट बढ़ाने का मतलब क्या है, आप इस डेट एक्सटेंशन का बेनिफिट लो, अगर आप नहीं लोगे तो आप फिर बैक डेट चले जाओगे। जैसे रिटर्न सबमिशन होता है ना, आपको बोला 2 महीना डेट बढ़ा दिया, बहुत अच्छा, आप 2 महीना के अंदर अगर जमा कर दिए तो इसका बेनिफिट मिल गया, 2 महीना पार हो गया तो फिर आप बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपके लिए वही पुराना सिस्टम लगेगा। कैसे समझे? मैंने ऐसा नहीं, वो बढ़ा रहा तब बोले मेरा झमेला कम होते जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बढ़ाया तो यहां पर इसको माफ कर देगा, ठीक है 31 तक, लेकिन लॉ नहीं बदल रहा है, आपको टाइमिंग छोड़ा है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज देखते हुए, मतलब इंडिया देख के चलना है ना, ज्यादा प्रॉब्लम कर दिया और इलेक्शन सब गया काम से तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, समझ गए? तो ये सब कुछ समय तक बोला अच्छा ठीक है चलो, और ऐसा क्यों करता है वो लोग का अपना सिस्टम में प्रॉब्लम है, मैंने गवर्नमेंट साइड से अपडेट नहीं है, अगर वो पूरा अपडेट हो जाएगा कुछ नहीं करेगा। जैसे इनकम टैक्स का साइट अभी सब अपडेट हो गया है, लेकिन ऐसा सिस्टम क्या 10 साल पहले था, 5 साल पहले था, नहीं 2 साल पहले था, नहीं, ये चल रहा है अपडेशन, इसमें भी अपडेशन चल रहा है, जब अपडेट हो जाएगा पूरा तो फिर सब सिस्टम में आ जाएगा। कैसे समझे? प्रॉब्लम कहां हो रहा है इंडिया में, कि इतना टैक्स देना होगा वो समझ में नहीं आ रहा है किसी को, और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, एक्सपेंस कम करके नहीं, इनकम बढ़ा के सॉल्व होगा। कैसे समझे? और इनकम बढ़ेगा एक्सपेंस भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा खर्च बढ़ेगा, इंडिया को समझने में लग जाता है 70 साल, समझ गए? डेवलप्ड कंट्रीज जितना भी है, जितना भी डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां क्या बहुत सस्ता सब सामान मिलता है? आप यूएस चले जाओ, कनाडा चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, चलो यूएस में गए, एक कप चाय पियोगे, क्या लगता है $1 तो ले ही लेगा, $1 मतलब हो गया 70 रुपया, ठीक है, वहां क्या करता है आदमी, चाय नहीं पिया 70 रुपया बचा लिया, यहां वाला लोग क्या करता है वहां जाके अपना सेविंग कर लिया, खर्च नहीं किया, यही है ना, और यहां पर 5 रुपया में पीने का आदत है, उसमें भी हाफ 2 रुपया में काम हो गया 3 रुपया में, तो ये जो सिस्टम है ना, तो इनकम भी बढ़ेगा खर्च भी बढ़ेगा, उसी में लोग सेविंग करके अपना जिसको बनाना है बना लो, तो ओनली सॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग द इनकम, खर्च कम करके कुछ नहीं होना है, समझ गए? और इसी बीच में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हाई स्पीड में जाएगा, मतलब समझ गए? और बाकी जितना बोलता है कि दाम कम, ये कम, वो कम, सब झूठ बोलता है, या तो उन लोगों को मालूम नहीं है, इंडियन पॉलिटिक्स में मोर देन 80% दे डोंट हैव इकोनॉमिक्स आइडिया, समझ गया, मैंने जो भाषण जो नजर आता है आप लोग को 80% को इकोनॉमिक्स मालूम ही नहीं है, समझ गए? ऐसे ही बस बोलता जा रहा है, जीएसटी का फुल फॉर्म
बोला आके बताते हैं भागा, ठीक है। तो ऐसे ही है, मैंने दे कम एंड डू ओपनिंग, जीएसटी पर लेक्चर है, ओपनिंग करेगा, जीएसटी मालूम ही नहीं है उसको, वर्ड का ही मीनिंग नहीं मालूम है, ठीक है। वापस ये समझ में आया केस, इसमें और भी बहुत कुछ है। जीएसटी का मतलब है हर चीज सरकार के नजर में रहना चाहिए, हर कोई टैक्स दे रहा है, हर कोई, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहेगा तो रोड डैम ब्रिज बनेगा कैसे, स्पीड कैसे आएगा, कलेक्शन ह्यूज होगा तभी ना बढ़िया काम होगा। अब एक कॉमन वर्ड है हम लोग का, करप्शन। तो करप्शन का ओनली वन सॉल्यूशन है, दैट इज सिस्टम। करप्शन का सॉल्यूशन क्या है, सिस्टम। माने आप कंप्यूटर से काम होगा, आदमी आदमी से भेंट नहीं करेगा, जहां भेंट किया गड़बड़ चालू, कैसे समझे, मैंने डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, जो भी बात होगा वो सिस्टम के थ्रू होगा, और कमिंग डेज में दे आर मूविंग टुवर्ड्स दिस। मेरा बात समझे, मैंने थ्रू सिस्टम, थ्रू सिस्टम में क्या होगा, हर चीज रिकॉर्डेड रहेगा, आप बोले लिखा हुआ है, वो बोला वो भी लिखा हुआ है, सब रिकॉर्ड में, के समझे। तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स ई इनिशिएटिव्स, माने इलेक्ट्रॉनिक पूरा, इस सब में भी वो होगा, समझ गए। अभी भी थोड़ा डिफेक्ट है, जैसे आपका ई इंफॉर्मेशन में लोकल में ही बैठ के कंप्यूटर में बात कर रहा है, जैसे एक उस दूसरे रूम में एक इस रूम में बात कर रहा है, तो क्या है, कभी भी बाहर आके भेंट मुलाकात कर लेगा। लेकिन अगर इस डिस्टेंस को भी ख़त्म कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, दिल्ली में बैठ के यहाँ बात करो, कलकत्ता बात करो, महाराष्ट्र में बैठ के दिल्ली बात करो, ठीक है, करप्शन कम होगा। व्हाट माय पॉइंट, जैसे पुलिस लोग होता है ना, उसको कुछ कलेक्ट करना है, अपना आदमी रखा हुआ है, वो दूसरा जाके कलेक्ट करता है, अपने से नहीं करेगा, उसका आदमी घूम रहा है, वो ठीक ले लेता है, तो ये सब सिस्टम बना हुआ है। लेकिन आप दिल्ली में रहोगे तो कैसे करोगे, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। जब इलेक्ट्रॉनिक है तो वहाँ से बात करो ना, लोकल क्यों बात कर रहे हो, तो वो सिस्टम में इंटीग्रेट कर देना होगा कि लोकल एकदम नहीं, एक स्टेट वाला सेम स्टेट में डीलिंग नहीं होगा, दूसरे में होगा। अब समझ गए, माने सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ओके, वापस ये क्लियर है। अब हम लोग आ रहे हैं मेन पॉइंट में, जो माने इलेक्ट्रॉनिक वाला ही मेन है। ये भी एक होता है रिटर्न, रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग लेके क्या झमेला है, झमेला कुछ नहीं है, नहीं मालूम है झमेला है, अभी आपको हम समझा देंगे, मालूम हो जाएगा झमेला नहीं है, अभी समझा देंगे तो झमेला नहीं है। तो रिटर्न में एक है जीएसटी आर वन, जीएसटी आर टू, जीएसटी आर थ्री, थ्री बी, जीएसटी आर फोर,
ये फॉर्म है सब, समझे ना? ठीक है, ये रिटर्न नहीं है, दिस इज नॉट रिटर्न, ठीक है। लिख लीजिए चारों पांचों, लिख लीजिए। ओके, सो GSTR 1, एकदम सिंपल वे से, फिर से टेक्निकलिटीज है लेकिन मतलब समझना है, गवर्नमेंट क्या चाहता है, क्या बोलना चाह रहा है, कैसे करो काम, इसको बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाईज, सेल्स डिटेल्स। सेल्स डिटेल्स आउटवर्ड, आप सामान बेचे, आप बिल इश्यू किए, यस, यू हैव सोल्ड द गुड्स, यू हैव इश्यूड द बिल, यू हैव कलेक्टेड द GST, यस और नो? आप बिल इशू किए, GST लिखे, पब्लिक से पैसा लिए कि नहीं, पब्लिक छोड़ो जिसको भी दिए उससे लिए बिल, यस और नो? यस। आपको सेल का डिटेल मालूम है, कितना सामान किसको बेचे, आप बेचे ना, मालूम है या नहीं? तो बोला GSTR 1 में आप अपना पूरा सेल का डिटेल दो। सेल डिटेल मतलब क्या बेचे, कितना का बेचे, क्या GST रेट था, क्या CGST है, क्या SGST है, क्या IGST है, यस करके आप पूरा डिटेल दे दो नाम के साथ, जिसको बेचे उसका GSTIN नंबर है, यस, मैंने पूरा है HSN कोड, GSTIN, पूरा डिटेल इसमें आपको भरना है। तो आप जो भी सेल किए, आउटवर्ड सप्लाईज, पूरा का डिटेल दे दो, क्लियर एवरीवन? कोई प्रॉब्लम? A to Z, आप जिससे जिससे टैक्स लिए, अब आप जिसको बिल दिए वो सामान खुद कंज्यूम करेगा या जाके बेचेगा, आपको मालूम है? लेकिन GSTIN नंबर दे रहा है, इसका मतलब वो जरूर जाके फिर बेचेगा। तो आपके पास क्या हो सकता है, GSTIN नंबर है, कुछ सेल किए उसका नंबर नहीं है, व्हाट इट, कुछ का है कुछ का नहीं है, क्लियर? आप क्या करोगे, जिसका है और जिसका नहीं है, अब बोलोगे सेल्स इतना हुआ उसका ये नंबर है, उसका इतना GST कलेक्ट हुआ, ये इतना है इसका कोई नंबर नहीं है, इतना कलेक्ट हुआ, पॉसिबल? कितना टैक्स कलेक्शन है मालूम है, यस और नो? यस। इसमें है पे GST, पे GST। तो पहले GSTR 1 जमा करेंगे या पहले टैक्स जमा करेंगे?
बोला इसमें दिखाओ और जितना हुआ पहले जमा करो, जमा करके फिर वापस आओ। जब तक आपका जीएसटी पेमेंट नहीं होगा, जीएसटी आर जमा वन, जीएसटी रिटर्न जमा नहीं होगा। आपको ये जमा करना है। कब जमा होगा? पेमेंट करने के बाद। ये पेमेंट इससे ज़्यादा है, जमा होगा ये? हाँ। ये पेमेंट इससे कम है, ये जमा होगा? नहीं। इसमें आप ज़्यादा पैसा भी जमा कर सकते हो, आपका अकाउंट में पैसा बचा रहेगा। इसमें जितना जमा है इससे कितना एडजस्ट हुआ, बाकी एक्स्ट्रा आपका पड़ा हुआ है, बाद में एडजस्ट होगा। ठीक है, ये सब जो भी जितना हो रहा है नया कुछ नहीं है, सब कुछ पहले से था, लेकिन हम लोग के जनरल डेली लाइफ में नहीं था। ये एक्साइज वाला लोग के साथ में था। किसके साथ? किस समझे? फिर से प्रॉब्लम कहां आता है कि ये सब के कंसेप्ट को, इसको गैमेट बोलते हैं, पूरा पूरा सब चीज को समझना पूरा, तो ये सब के लिए पूरा नॉलेज आइडिया आपको रहेगा तब ना आप करोगे। सिर्फ दो ठो वर्ड समझ गए, बोले हम सीख गए, बोलने से नहीं होगा ना, तो वहीं पर प्रॉब्लम है। कि समझे? नहीं हो रहा है मतलब उसको चीज समझ में नहीं आ रहा है। तो जीएसटी आर वन कब जमा होगा? 3B में पेमेंट कर दिए, पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट निकलेगा, आप क्या पेमेंट किए, कितना पेमेंट किए, किसके लिए पेमेंट किए, बिजनेस टू बिजनेस कितना किए, बिजनेस टू कंज्यूमर कितना किए। तो जो भी जीएसटी नंबर नहीं देगा सब कंज्यूमर हो गया, जो जीएसटी नंबर दिया सब ट्रेडर हो गया, जो भी हो। ठीक है, और जीएसटी नंबर जो अलॉट किया है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को तो मालूम है ना आपको कंपोजिशन वाला है, तो वो नंबर के साथ कंपोजिशन है, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। रेगुलर है उसका क्रेडिट मिल जाएगा, वो सब सिस्टम में इनबिल्ट है। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप क्रेडिट लेने जाओगे, देखो मिला ही नहीं हमको, क्यों? बोला उसका रजिस्ट्रेशन सही नहीं है, वो कंपोजिशन में है। कैसे समझे? तो आप जब टैक्स दिए नहीं तो मिलेगा कैसे? मतलब इसको फुल प्रूफ कर रहा है वो लोग, टैक्स जमा करेगा तो क्रेडिट मिलेगा, नहीं जमा करेगा नहीं मिलेगा वापस। तो इसमें जमा हुआ, यहां रिटर्न जमा हुआ। अब ऐसे देखो, जीएसटीआर 2 क्या है? आप माल बेचे, आप रिकॉर्ड कर दिए, आप जिससे माल खरीदे वो माल बेचा आपको, आप जिससे सामान परचेज किए वो आपको माल बेचा या नहीं? बेचा। तो वो जो माल आपको बेचा उसके लिए सेल्स है, वो भी अपना जीएसटीआर 1 भरेगा सेल का। आप जैसा उसका भी 50 कस्टमर है, आपका जीएसटीआर नंबर देके रिटर्न जमा करेगा, जीएसटी नंबर देके वो ऑटोमेटिक आपका इसमें आ जाएगा। वो जमा किया, इसमें आ गया, तो ये क्या हो गया? इनवार्ड सप्लाईज। ये कैसे आता है? ऑटोमेटिक। इसको आपको भरना नहीं है, आप जिससे भी माल परचेज किए और उसको अपना जीएसटी नंबर दिए
वो लोग सबको ही भरेगा, जैसे आप भरे वो भी भरा, आप भरे तो उसका टू में चला गया, वो भरा तो आपका टू में आ गया। समझ में आया केस? अब आप कितना जीएसटी किसको किसको दिए आपको मालूम है? बिल है? यस, आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ये 100 पार्टी है लेकिन इसमें तो 90 दिखला रहा है, बाकी 10 कहाँ गया? फोन घुमाओ। माल परचेज हुआ था, बिल इशू हुआ था, जीएसटी दिए थे, पेमेंट अभी तक जमा नहीं हुआ, पॉसिबल? तो आप क्या करोगे, उसको मैच करोगे? यस ठीक है, ये ठीक है, 90 ठीक है, 10 ठीक नहीं है, 10 जमा करो। वो जमा करेगा तभी इसमें आएगा, वो लोग वन में आपका नाम देगा तभी आपका टू में आएगा। समझ में आ रहा है केस? यस, सो दे विल डिपॉजिट, इट विल शो इन GSTR 2। क्लियर? ये दोनों कंप्लीट हो गया, बोथ कंप्लीटेड। अब आपका सेल परचेज दोनों रेडी हो गया। यस, सो रिटर्न, नाउ यू विल सबमिट रिटर्न। व्हाट रिटर्न? मंथली और क्वार्टरली? मंथली और क्वार्टरली? फर्स्ट आंसर इज मंथली। टू सम केसेस दे हैव गिवन सम परमिशन, दे कैन डू क्वार्टरली। मतलब अभी भी क्या हुआ, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में है, कितना, 1 से 1.5 करोड़, 1 to 150, वो लोग को ऑप्शन दिया क्वार्टरली। ये नया अमेंडमेंट है सब, आप लोग को यही ध्यान रखना है, ठीक है? 1 से 1.5 करोड़ को क्वार्टरली रिटर्न ऑप्शन दिया, बोला मैं तो, इट मींस हम लोग बोलते हैं ना, 1 रिटर्न, 2 रिटर्न, 3 रिटर्न हो रहा है, तो हर महीना में 3 रिटर्न, ईयरली कितना हो गया, 36। और टैक्स पेमेंट बार बार होगा सब, तो दे आर सेइंग 1 रिटर्न जमा नहीं होता है, 36-7 में तो क्या होगा, हम लोग बिजनेस करेंगे या रिटर्न ही जमा करते रहेंगे? और ये जो नहीं मिलेगा इसको बोलते हैं मिसमैच, आपका उससे नहीं मैच कर रहा है, आप क्या करोगे? क्या समझे? गलती वो कर रहा है, काम आपका नहीं हो रहा है, पॉसिबल? दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ, और आपके पास सॉल्यूशन क्या है? आंसर है नहीं है। आंसर क्या है? नहीं है। गवर्नमेंट का क्या है, जो डिफॉल्ट करता है पेनल्टी लगा, दोनों में लड़ाई हुआ, उससे पेनल्टी ले लेगा, आपसे ले लेगा, आप लोग लड़ रहे हो, गवर्नमेंट दोनों से ले लेगा, तो आप लोग को एक ही ऑप्शन है, मत लड़ो। बैठ के सेटल कर लो, क्या समझे, क्या समझे? मैंने यही केस है, मैंने एकदम सिंपल, जैसे रास्ता में जाते हैं ना, हेलमेट नहीं पहने, पुलिस वाला पकड़ा, आप बोले हेलमेट मेरा, हम भी स्कूटर मेरा, पेनल्टी आपको किस लिए दे, मरेंगे तो हम ना मरेंगे। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट इधर 500 रुपया, होता है ना, ऐसा ही सिस्टम है, क्लियर? तो इस हिसाब से चलेगा। एंड GSTR 4 इज फॉर पर्सन्स कवर्ड बाई
कंपोजिशन स्कीम क्वार्टरली दिस इज रिटर्न this is return composition scheme quarterly. Okay, so I think you got some idea. मैंने आप बोल सकते हो आता है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं आता है. क्लियर सर? रिटर्न और फॉर्म में क्या? ये सपोज आपका कॉपी है, इसमें लिखा हुआ है एडमिशन फॉर्म भरो, इसको फॉर्म बोलते हैं. इसको भर लिए, भर के टैक्स उक्स दे के जब जमा कर दिए तो रिटर्न बन गया. अब ठीक है, इनकम टैक्स का फॉर्म है, सब भरे, फॉर्म भरे ना, अब जमा करो, तो बोले जमा कर दिए, उसको नाम दे दिया रिटर्न. समझे? तो सब अपने आप में रिटर्न ही है. फॉर्म भर के तो पॉकेट में नहीं रखना है, सभी जमा करना है, तो सभी अपने आप में रिटर्न है, इसलिए नाम है आर. ओके, तो नेक्स्ट कंटिन्यू रहेगा. ओके.